राजधानी के चौमू कस्बे में होली दरवाजे के पास देर शाम जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हंगामा कर रहे लोगों ने एक कार और बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। दोनों वाहन आग से जलकर खाक हो गए। मामले की सूचना के बाद चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू किया। वहीं मौके पर पहुंची नगर पालिका की 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चौमू संवाददाता मनोज सैनी फोन लाइन पर हैं। जी मनोज, क्या कुछ है अपडेट इस पूरे घटनाक्रम पर? जी आशीष, बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला चौमू कस्बे के होली दरवाजे का पास का है, जहां पर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इसी पूरे विवाद में 5 लोग घायल होने की सूचना है और वहीं झगड़े में जो लोग शामिल थे उन्होंने एक कार और बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जी आशीष, कितने लोग हैं जिनको जयपुर रेफर किया गया है या प्राथमिक उपचार चौमू में किया गया है सभी घायलों का? जी आशीष, आपको बता दूं, बिल्कुल जो घायल हैं इस हादसे में उनका सरकारी अस्पताल के बाद में 2 महिलाओं का जयपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। चौमू थाना पुलिस अधिकारी हेमराज गुर्जर मौके पर पहुंचे हैं। जी आशीष, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े फोनलाइन पर और पूरी अपडेट दी इस घटनाक्रम को लेकर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।